हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पड़ता है अपने गैलरी से सिंपल से ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये है अपना सिंपल से ओरिजिनल पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से एचडी क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अपन आज की इस वीडियो में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली से अपने सिंपल से पिक को दोस्तों ओरिजिनल पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे एक तरफ टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्यून इमेज का। सिंपली से दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे फुल्ली इंक्रीज कर लेना कुछ इस प्रकार से। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ से एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर ऑप्शन। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सिलेक्ट करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड सेकंड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फोटो को जूम करना है, तथा ब्रश चलाते हुए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फेस पर आई सेचुरेशन को कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको क्लीन कर देना है। फेस एंड स्किन से दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सैचुरेशन को क्लीन कर देना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो पर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको प्रीसेट पीएनजी एंड बैकग्राउंड का स्टॉक फ्री में डाउनलोड किए हुए मिल जाएंगे। जाइए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के लिए दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्टिव का। सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फेस को दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, तथा दोस्तों आपको ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को दोस्तों आपको डिक्रीज कर लेना, तथा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को भी कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन सेचुरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है, तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने लिप्स पर कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेना है, जिससे दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से लिप्स पर कलर टोन ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने लिप्स पर कलर अप्लाई कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फोटो एडिट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से इस फोटो में कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से इस पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको इसे लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। लाइट रूम ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने लाइट रूम ऐप के अंदर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा कुछ इस प्रकार से क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सर्वप्रथम हाईलाइट्स को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा वाइट का, सिंपली से इस वाइट्स को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है, तथा दोस्तों आपको इसी के नीचे ब्लैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेंस का, इसे कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए दोस्तों आपको 10 के अराउंड रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ इसी के अंदर मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्वप्रथम दोस्तों आपको सेकंड नंबर ऑप्शन ऑरेंज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, तथा दोस्तों आपको ल्यूमिनेंस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है।
ऐसा कर लेने के बाद दोस्त आपको सिंपली से इसके आगे वाले ऑप्शन येलो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से इसकी सैचुरेशन को दोस्त आपको इंक्रीज करते हुए अराउंड 50 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्त आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्त आपको इसके ह्यू को फुली डिक्रीज कर लेना है तथा दोस्त आपको सैचुरेशन को फुली इंक्रीज कर देना है। कुछ इस प्रकार से सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको ह्यू को डिक्रीज कर देना है ग्रीन कलर के। फिर दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ के ऑप्शन पर्पल कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसकी सैचुरेशन को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको सिंपली से अपने फेस को स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से अपने इस पिक को शेयर करके ओपन कर लेना है एयर ब्रश ऐप के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसको यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना एयर ब्रश ऐप के अंदर। एयर ब्रश ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने एयर ब्रश में इंटरफेस खुलकर नजर आएगा, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर नजर आएगा एयर ब्रश ऐप के अंदर। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ दोस्तों आपको फिफ्थ नंबर ऑप्शन मिल जाएगा स्मूथ का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट हैवी ब्रश साइज इरेजर। सिंपली से दोस्तों आपको हैवी के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा दोस्तों आपको अपने फेस को कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है राउंड राउंड, जिससे दोस्तों आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फेस पर ब्रश चलाना है जिससे दोस्तों आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है तथा दोस्तों आपको अपने आसानी से अपने फेस को आप स्मूथ कर सकते हो। ये दोस्तों नया तरीका है, आप ऑटो डिस्क की बजाय इस ऐप का यूज करें, आपका फेस काफ़ी आसानी से स्मूथ होगा व दोस्तों ब्लैक दाग धब्बे भी ब्रश के आपके नहीं रहेंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इसे स्मूथ कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फेस स्मूथ हो चुका है ऑसम तरीके से। फिर दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से सेकंड नंबर ऑप्शन टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लर का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली दोस्तों ब्लर हो जाएगा। आप दोस्तों बैकग्राउंड के अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 30 के अराउंड रख लेना जिससे दोस्तों आपका बैकग्राउंड ऑसम तरीके से ब्लर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फोटो एडिट हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से राइट कॉर्नर पर दोस्तों आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।